झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन दलों को साधने की कवायद शुरू कर ली है। झारखंड में बीजेपी पहली बार विधानसभा चुनाव में 3 दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक के बाद प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अपने सहयोगियों के साथ सीटों पर तालमेल पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आजसू को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, तो जेडीयू को 2 सीट देने पर सहमति बनी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला लेगा। शर्मा ने कहा कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से 16 अक्टूबर को चर्चा के बाद उनकी एक सीट तय हो सकती है। हेमंत ने बताया कि 98% बीजेपी प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके 24 घंटे में प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया जाएगा। कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना, और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है, और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना चाहते हैं। तो आगे 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा, और हमारा कोशिश होगा कि 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर दे। आशु का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है, नहीं आशु को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है, अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा, और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है, इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करें। साफ है कि एनडीए गठबंधन में आजसू को 10 के आसपास सीट मिलेंगी, ये सीटें 9 भी हो सकती हैं और 11 भी हो सकती हैं। वहीं चिराग पासवान के साथ केवल एक सीट पर बातचीत चल रही है। इधर जेडीयू नेतृत्व को साधने के लिए बीजेपी ने 2 सीट देने का फैसला कर लिया है। साफ है कि सीटों के आंकड़े में थोड़ी फेरबदल के साथ एनडीए के दल मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।